कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपने छूट गए होंगे, तो वो जो है जनता को आप जरा सा आश्वस्त कर दीजिए। जनता ने मुझे ये आश्वस्त करके चौथी बार ये दायित्व दिया है। जी, सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं बागेश्वर महिपाल और इस समय मेरे सामने खड़े हैं बागेश्वर के लोकप्रिय विधायक चंद्र राम दास जी, जिन्होंने 4 बार जीतकर लोगों का दिल जीता है। विधायक जी, 2 शब्द। भगवान बाबा बागनाथ जी की पवित्र भूमि में मेरे नेतृत्व ने और बागेश्वर के मतदाताओं ने मुझे चौथी बार बागेश्वर की सेवा करने का ये अवसर दिया है। मैं अपने अंतर मन से सभी इष्ट देवताओं का और अपने मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और जिस विश्वास से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, जितने भी अभी कुछ बचे कुछ काम, बहुत ही कुछ काम और बचे हैं इस बागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए, उनको पूरा करने का। जी जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपने छूट गए होंगे, तो वो जो है जनता को आप जरा सा आश्वस्त कर दीजिए। जनता ने मुझे ये आश्वस्त करके चौथी बार ये दायित्व दिया है जी, कि जो बचे कुचे काम है उनको विधायक जी ही पूरा करेंगे। जैसे स्टेडियम का कार्यक्रम है, जैसे यहाँ का सीवर लाइन का कार्यक्रम है, राजीव नवोदय विद्यालय जैसे एक महत्वपूर्ण विद्यालय का कार्यक्रम है और एक दो और कार्यक्रम है, इनके साथ साथ मुझे 5 काम नहीं करने हैं। अभी मैंने हर गांव को रोड दी है, मैं चाहता हूं मैं तोप को रोड भी दूं, हर घर को रोड दूं, जो रोडें मैंने काटी है उनका मैं डामरीकरण करूं। बहुत से काम करने का मुझे ये सुअवसर बागेश्वर की जनता ने दिया है, मैं उनके मनोभाव पर पूरा खरे उतरूंगा और ये मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।